श्री राम की बरात नगर भ्रमण किया और आपने प्रभु के दर्शन किए सुंदर झांकी, उसके बाद इसी स्टेज पर सीता कन्यादान, और आज आप राम वनवास दशरथ के कई संवाद को भंग और भगवान राम का तमसा नदी के तट तक जाना ये सब देखेंगे। प्रभु नीचे रुचिर निकेता। एक बार भगवान राम जानकी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तही अवसर मुनि नारद आए, सुरीति लागी विरंची पढ़ाए। उसी समय नारद मुनि वहां पर आ जाते हैं। देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा जी ने उनको भेजा है। सादर निज आसन बैठा रे, जनक सुता तब चरण पखारे। फिर भगवान ने नारद जी के चरण स्पर्श किए, जनक सुता ने जानकी जी ने भी उनके उनसे आशीर्वाद लिया और फिर उनको आसन प्रदान किया। नारद जी के मुनि तब महिमा रघुराया, मैं जानो कछु तुम्हारी दाया। आहा है प्रभु, मैं आपकी दया से कुछ आपकी थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। ब्रह्म भवन में रहो कृपाला, गावत तब गुण दीन दयाला। हे प्रभु, मैं ब्रह्म भवन में बैठा था और आपका ही ध्यान चित लगाए हुए था। अवचलत विरंची मोहि जाना, तीनी बिने लागी मम काना। हे प्रभु, जब मेरे मन में अयोध्या जाने की आई, तब ब्रह्मा जी ने यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने मुझे कान में कुछ कहा। जय इतली ने मानो जे अवतारा, नाता आई अब करिए तुम्हारा। हे नाथ, जिस कार्य के निमित्त आपने मनुष्य रूप धारण किया है, उसको पूरा करने का समय अब आ गया है। राम जी के होता ते ब्रह्माई समुझाई, कछु दिन गए देखी है आई। हे तात, ब्रह्मा जी से समझा कर कहो कि कुछ दिनों के बाद हम स्वयं वहां आकर देखेंगे। राम उरोपे और धारे मोनि नारद, चले करत गुण का न विचारत। इसके पश्चात जब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी को कहना कुछ दिन में वो स्वयं ही आकर के देख लेंगे, तो नारद जी भगवान की मूरत अपने हृदय में रखकर शीश नवा करके भगवान का गुणगान करते हुए चले।